नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 6:04 तक रहेगी। आज सुबह 10:39 से वरियान योग लग जाएगा। साथ ही आज दोपहर बाद 3:22 तक आश्लेखा नक्षत्र रहेगा। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार व्रत है। इसके अलावा आज सुबह 10:26 पर बुध सिंह राशि में वक्री होंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:30 से शुरू हो चुका है और दोपहर बाद 3:22 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 अगस्त की सुबह 5:34 से दोपहर 12:13 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 9 अगस्त की सुबह 5:47 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 7 अगस्त की सुबह 5:46 से सुबह 8:50 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अगस्त की सुबह 5:47 से सुबह 10:59 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:18 से शाम 7:23 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अगस्त की रात 9 से रात 10:36 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 6 अगस्त की शाम 5:44 से शाम 5:53 तक, और एक बार फिर शाम 7:35 से अगली सुबह 5:46 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अगस्त की रात 8:30 से रात 10:06 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अगस्त की सुबह 5:47 से सुबह 10:59 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य को से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 7 अगस्त की दोपहर बाद 3:15 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 7:25 से सुबह 9:05 तक, मुंबई सुबह 7:53 से सुबह 9:30 तक, चंडीगढ़ सुबह 7:23 से सुबह 9:05 तक, लखनऊ सुबह 7:12 से सुबह 8:52 तक, भोपाल सुबह 7:30 से सुबह 9:08 तक, कोलकाता सुबह 6:47 से सुबह 8:25 तक, अहमदाबाद सुबह 7:49 से सुबह 9:28 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:30 से सुबह 9:05 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ हो सकता है। माता पिता के साथ रिश्ते मधुर होंगे। पारिवारिक रिश्तों में भी मधुरता बरकरार रहेगी। आपको जीवन साथी से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। आज आपके आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप चीजों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही कोई गोपनीय बात आज आपको पता चलेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा। पर्यटन से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते में सुधार होगा। आप खुद को किसी रचनात्मक काम में लगाएंगे। आपके काम से अधिकारी वर्ग भी खुश होंगे। आज आपकी सलाह किसी जरूरतमंद के लिए कारगर साबित हो सकती है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आप अपने काम में किसी मित्र का सहयोग लेंगे। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के नए आसार दिखाई देंगे। आज किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपके सारे जरूरी कामकाज पूरे हो जाएंगे। पैसों के मामले में लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। आपका खर्च बढ़ सकता है। किसी को उधार पैसा देने में सोच विचार करना बेहतर रहेगा। कोई करीबी व्यक्ति आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। आपको अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार करने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आप अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान आज निकल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। उधार दिया हुआ पैसा आज अचानक वापस मिलेगा। परिवार में धार्मिक कार्य की योजना बना सकते हैं। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे। आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा, जिससे आपको फायदा भी होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। करियर को बढ़ाने के लिए आज आपको नए अवसर मिलेंगे। जीवन साथी के साथ डिनर करने जा सकते हैं। साथ ही रिश्तों में पॉजिटिविटी भी आएगी। कामकाज में सफलता मिलेगी। दोस्तों से फायदा मिलने की उम्मीद है। आज आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। भाई बहनों से आपको पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। रुके हुए सारे काम आज पूरे होंगे। घर का माहौल आज खुशनुमा रहेगा। इस राशि के छात्रों का आज पढ़ाई के प्रति रुझान बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आपका ध्यान अपने कार्य को पूरा करने में लगा रहेगा। ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ सकता है।
इस राशि के छात्रों का दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ सकता है। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। कोई बड़ा काम संतान की मदद से पूरा हो जाएगा। माता पिता का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ लोग आपसे जलन की भावना रख सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज जो भी काम आप शुरू करेंगे उसे समय से पूरा कर लेंगे। आपकी कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता कर सकती है। लेन देन के लिए आज का दिन अच्छा है। जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। इस राशि के लोगों को कारोबार बढ़ाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से बेहतर सुझाव मिलेगा। पैसों के संबंध में अच्छी खबर मिलेगी। कामकाज से भी जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके सोचे हुए सारे काम आज पूरे होंगे। किसी समारोह में आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बहुत खास साबित होगा। साथ काम करने वाले मददगार रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आप परिवार वालों के साथ किसी ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे। इससे आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। दोस्तों के साथ मूवी देखने की प्लानिंग आज बन सकती है। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिससे आपको भविष्य में फायदा होगा। किसी खास काम में आपको सफलता मिलेगी। कारोबार बढ़ाने के लिए आज आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। किस्मत का पूरा पूरा सहयोग आज आपको मिलेगा। कारोबारियों को लाभ होगा। छात्रों के लिए आज का दिन बढ़िया है। करियर में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो आज वो काम पूरा हो जाएगा। अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने का भाव आज आपके मन में आएगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक रहेगा। आपके मन में किसी बात को लेकर उत्साह रहेगा। कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है। काम पूरा करने के लिए शायद आपको पर्याप्त समय न मिल पाए। परेशान होने के बजाय धैर्य बनाए रखना चाहिए। वहीं किसी कार्य में कुछ लोग आपकी मदद करेंगे। दिन भर की व्यस्तता के कारण आपकी उलझन बढ़ सकती है। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज कांच या क्रिस्टल का कोई शोपीस किसी ब्राह्मण को दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को भीगी उड़द खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, पारिवारिक रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। मूलांक 2, साथियों और कर्मचारियों से अच्छे रिश्ते रखें। आज अपने व्यक्तित्व और दिनचर्या में समय के अनुसार बदलाव लाएंगे। मूलांक 3, आज किसी प्रॉपर्टी संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा जिससे आपको राहत महसूस होगी। मूलांक 4, आज कार्यस्थल पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उचित समय पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 5, आज कोई ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम बनेगा जहां आपको आनंद की अनुभूति होगी। मूलांक 6, किसी अनजान व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। मूलांक 7, आज काम ज्यादा रहेगा लेकिन अपनी मेहनत से आप उसे पूरा करने में सफल होंगे। मूलांक 8, आज आप बेवजह समय बेकार नहीं करेंगे तो कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। मूलांक 9, आज किसी रुके हुए कार्य में दोस्तों की मदद मिलने से कार्य पूरा हो जाएगा।
और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम यानी कि अध्ययन कक्ष के रंग के बारे में। स्टडी रूम वो जगह होती है जहां हम शांति, बिना किसी शोर शराबे और दखल के आराम से अध्ययन कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए स्टडी रूम का वातावरण अच्छा और शांतमय होना बेहद जरूरी है। स्टडी रूम को पढ़ने लायक बनाने में रंगों का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। अध्ययन कक्ष के लिए हल्के रंगों का प्रयोग करना बेहतर होता है। अध्ययन कक्ष के लिए क्रीम कलर, हल्का जामुनी, हल्का हरा, आसमानी, पीला, बादामी या भूरे रंग का चयन करना चाहिए, क्योंकि हल्का रंग वास्तु की दृष्टि से शुभ माना जाता है, और ख़ासकर पीला रंग। ये रंग बच्चों की अध्ययन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा स्टडी रूम यानी कि अध्ययन कक्ष के रंग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 6:04 तक रहेगी। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। आज के दिन भगवान शिव के निमित्त व्रत किया जाता है और उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही शिव भक्ति के लिए समर्पित है, लेकिन शास्त्रों में सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार का बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं सावन के सोमवार के दिन जो कन्याएं व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं, उनको सुयोग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाहित महिलाएं अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए ही भी सावन के सोमवार का व्रत करती है। साथ ही पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। बता दूं कि आज के बाद सावन का चौथा सोमवार 12 अगस्त को और पांचवा सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 10:39 से शुरू होकर कल की दोपहर 11 तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार से पितृकर्म नहीं करते हैं। साथ ही आज दोपहर बाद 3:22 तक आश्लेखा नक्षत्र रहेगा। आश्लेखा नक्षत्र की चर्चा तो हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेखा नक्षत्र 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। आश्लेखा नक्षत्र 5 तारों का एक समूह है। आश्लेखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को माना जाता है, और नाग देवताओं को आश्लेखा नक्षत्र का अधिपति माना जाता है। इस नक्षत्र की राशि कर्क है और स्वामी ग्रह बुध है। पेड़ पौधों में आश्लेखा नक्षत्र का संबंध नाग केसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आश्लेखा नक्षत्र के दौरान नाग केसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान नाग केसर के पेड़ उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज सावन के तीसरे सोमवार वरियान योग और आश्लेखा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं बुध के सिंह राशि में वक्री गोचर की। आज सुबह 10:26 पर बुध सिंह राशि में वक्री होंगे और वक्री गति यानी उल्टे गति से गोचर करते हुए 22 अगस्त की सुबह 6:38 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 28 अगस्त की देर रात 2:42 पर कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी गति से गोचर करने लगेंगे, और मार्गी गति से गोचर करते हुए 4 सितंबर की दोपहर पहले 11:22 पर पुनः सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के इस वक्री गोचर को समझने के लिए आपको वक्री और मार्गी का अर्थ समझना होगा। हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। सबके अपने अपने परिक्रमा पथ हैं। सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना परिक्रमा पथ है और वो भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है।
कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल में तेजी से गुजरती है तो धीमे चल रहा ग्रह पीछे छूटता जाता है, जैसे वो उल्टी दिशा में जा रहा हो। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि अगर एक धीरे चल रही रेलगाड़ी के बगल से दूसरी रेल तेजी से गुजरे तो धीमे वाली रेलगाड़ी पीछे जाती लगती है, जबकि वास्तव में वो भी उसी तरफ जा रही जिधर दूसरी वाली, लेकिन आभास होता है कि वो पीछे जा रही है। ठीक यही बात ग्रहों और पृथ्वी के बीच घटित होती है। इसी को वक्री या मार्गी कहते हैं। जब ग्रह उल्टा चलता हो तो वक्री और जब ग्रह सीधा चले तो मार्गी। यहाँ एक बात बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं तथा राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, और बाकी ग्रह पांच ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। यहाँ पे एक चीज और जिक्र करूंगा। देखिए, जैसे ये सूर्य के चारों तरफ का आकाश, अब इसको अगर आप 12 पार्ट्स में बांट देंगे, 12 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पे ये इतना है लेकिन एक पार्ट 30 डिग्री का लास्ट तक इतना चौड़ा हो जाएगा। फिर से समझिए, मान लीजिए ये सूर्य है, इसको आप 12 पार्ट में बांट दें, ठीक है, और दूर तक एक एक लाइन को ले जाइए, तो यहाँ पे तो 30 डिग्री इतना सा होगा, लेकिन इतनी जो जो फैलता जाएगा त्यों तो ये फैलता चला जाएगा। तो जो ग्रह सूर्य से काफ़ी दूर हैं उनको 30 डिग्री का ये अंश पार करने में इतना डिस्टेंस चलना पड़ता है, जो सूर्य के नज़दीक हैं उनको इतना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, और जो बीच में है उनको इतना डिस्टेंस। अब भले ही इसकी स्पीड इस वाले की स्पीड के 6 गुनी हो, लेकिन इसको इतना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है ना, और इसको कम चलना पड़ रहा है। तो कई बार जब ये फुल स्पीड में जा रहा है, इससे भी तेज जा रहा है, तो भी ये बगल से गुजरेगा और लगेगा कि ये पीछे जा रहा है, ये छूट गया पीछे। अब आप बात समझिए, वक्री मार्गी का फर्क क्या है। सारे ग्रह वास्तव में हमेशा मार्गी होते हैं, लेकिन जिस समय वो किसी ग्रह के बगल से गुजर रहे होते हैं, जब पृथ्वी उसके बगल से गुजरती है और लगता है ग्रह के बगल से गुजरती है और लगता है कि पीछे जा रहा है, यही वक्री। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध ज्योतिष विद्या शिल्प कंप्यूटर आदि, बुध का चेंज है ना, तो बुध क्या है, ज्योतिष विद्या शिल्प कंप्यूटर वाणिज्य चौथे घर और दसवें घर इनके कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत करने वाले कार्यों पर पड़ता है और शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका प्रभाव रहता है। ये थी चर्चा बुध के वक्री होने की। वक्री बुध से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही इसके निगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए और पॉजिटिव सिचुएशन का लाभ पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके पांचवें घर में होगा। जन पत्रिका के पांचवें घर का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। बुध के इस गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, किसी भी कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं जिनके पहले से बच्चे हैं उनके बच्चों की तरक्की होगी और जीवन में भरपूर रोमांस मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गाय की सेवा करें, स्वयं का और संतान का भाग्य उत्तम होगा। वृष राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके चौथे स्थान पर होगा। जनपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध का ये गोचर आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी शुभ होगा। आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन इस बीच अपनी माता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 22 अगस्त तक केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं। मिथुन राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके तीसरे स्थान पर होगा। जनपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई, बहन तथा यश से है। बुध का ये गोचर आपकी आयु में वृद्धि करेगा और दूसरों के साथ आपके अच्छे संबंध बनाएगा। 22 अगस्त तक आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप और आपके भाई बहनों को मेहनत के अनुसार लाभ मिलेगा। लिहाजा
बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को फिटकरी के नमकीन पानी में हरे मूंग भिगोकर रख दें और सुबह उठकर पशुओं को खिला दें। कर्क राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके दूसरे स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर से आपके धन कोष में वृद्धि होगी, साथ ही आपके परिवार वालों के लिए भी ये फायदेमंद होगा। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी और माता का सुख मिलेगा। शत्रुओं पर विजय पाने में कामयाब होंगे, लिहाजा इस वक्री गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अगर पहन सकते हैं तो नाक में चांदी पहने, वरना मिट्टी का खाली घड़ा ढक्कन लगाकर पानी में बहा दें। सिंह राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको सुख मिलेगा, साथ ही आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे, लवमेट के रिश्ते में मजबूती आएगी और संतान पक्ष को न्यायालय से लाभ मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए अपने किसी भी काम को करने के पहले उसकी दिशा सूची तैयार कर लें, ताकि बाद में आपका ध्यान न भटके। कन्या राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके 12वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध का ये गोचर आपको शैया सुख दिलाएगा। समाज में आपका और आपके परिवार का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन 22 अगस्त तक आपको अपने पैसे संभाल कर रखने की जरूरत है। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए भगवान गणेश की उपासना करें और गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। गं गणपतये नमः। तुला राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके 11वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारे आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही ये आपकी संतान की तरक्की कराएगा। इस दौरान आपको कुछ नया हुनर सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए समय की कीमत को पहचान कर ही आगे बढ़े। अतः बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए तांबे का पैसा गले में धारण करें। वृश्चिक राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके 10वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आपको करियर में सफलता मिलेगी, साथ ही आपके पिता की भी तरक्की होगी। नई चीजों को सीखने का मन करेगा। शस्त्र आदि के काम से जुड़े लोगों को विशेष फायदा होगा। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए इस दौरान बाहर का खाना पीना अवॉइड करें। धनु राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके 9वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक लाभ के साथ आयु में भी वृद्धि होगी, साथ ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 22 अगस्त तक लोहे की लाल रंग की गोली अपने पास रखें। लोहे की एक गोली ले लीजिए, उसको रेड कलर से पेंट कर लीजिए, हो गई लाल रंग की, अपने पास रख लीजिए। मकर राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके 8वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर से गोचर के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको इस दौरान मकान भी बदलना पड़ सकता है। लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 22 अगस्त तक मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर या शहद भरकर वीराने में दबा दें। कुंभ राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके 7वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपको धन लाभ मिलेगा। जो लोग दस्तकारी के काम से जुड़े हैं, हस्तकला से, उन्हें विशेष लाभ होगा। साथ ही अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा या केस चल रहा है तो 22 अगस्त तक उसकी दलीलें आपके पक्ष में होंगी। अतः बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपनी बहन या बुआ को हरे रंग का कुछ गिफ्ट करें।
मीन राशि वालों बुध का वक्री गोचर आपके छठे स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के छठे स्थान का संबंध हमारे मित्र शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपका दिल बड़ा होगा, आप दूसरों की मदद करेंगे, कोई भी काम धैर्य से करने पर सफलता मिलेगी और साथ ही धन लाभ मिलेगा। साथ ही बुध का ये गोचर आपके मित्रों की बढ़ोतरी करेगा। इस दौरान शत्रु पक्ष दूरी बनाकर रहेगा, अतः बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय कन्या को पुष्प फूल गिफ्ट करें, फ्लावर फूल गिफ्ट करें। तो ये थी चर्चा आज वरियान योग आश्लेखा नक्षत्र और बुध के सिंह राशि में वक्री गोचर की। बुध के इस वक्री गोचर का विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा उसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज सावन का सोमवार है, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पवित्र दर्शन। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इससे इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी गलतियों के पश्चाताप से मुक्ति मिलती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे पैर की सबसे छोटी उंगली के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अन्य उंगलियों की ही तरह पैर की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका उंगली भी बड़े काम की होती है। इससे किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। आपको बता दूं कि जिनके पैर की छोटी उंगली अन्य उंगलियों से बड़ी होती है वे लोग अपने परिवार से बहुत कनेक्ट होते हैं। ये अपने परिवार के लोगों से जितना प्यार करते हैं इनके परिवार के लोग भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं। ये लोग अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें किसी परेशानी में नहीं देख सकते। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 अगस्त को श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 6:04 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 7:53 तक रहेगी। द्वितीय तिथि में बैगन अथवा कटेही का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज बादाम खाकर घर से निकलें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।